नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से बड़े स्तर पर वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाना है। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहां पर आपको एक करियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही करियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर इन भर्ती से संबंधित सारी की सारी रिक्रूटमेंट, जो भी ओपनिंग्स आपके यहां पर रखी गई है, जो भी करंट रिक्रूटमेंट यहां पर रखी गई है, करंट ओपनिंग्स यहां पर रखी गई है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो यहां पर आपको काफी सारे पदों पर वैकेंसीज है। एरिया मैनेजर के पदों पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एंड इसी के साथ में एनालिटिक कम डीलर के पद पर वैकेंसीज मिलेगी, इक्विटी एनालिटिक के पद पर वैकेंसीज मिलेगी, तो काफी सारे पद यहां पर रखे गए हैं। सेल्स मैनेजर के पद पर भी यहां पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो है ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रखी गई है। इसी के साथ में MTS के पदों पर भी वैकेंसीज रखी गई है, वॉचमैन के पदों पर भी वैकेंसीज रखी गई हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी की सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, फुल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि आप इन भर्तियों के लिए किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और किस तरीके से इन भर्तियों के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेंट ऑन दिस वेबसाइट टू बी पब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इस वेबसाइट का जो भी कंटेंट यहां पर पब्लिश किया जाता है वो LIC की तरफ से जो है पब्लिश किया जाता है, और ये रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन यहां पर पब्लिक किया गया है ये भी LIC की तरफ से जो है पब्लिक किया गया है। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहां पर LIC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर जो वैकेंसीज रखी गई है ये 8000 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें अलग अलग पद रखे गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो आपकी जो वैकेंसीज रखी गई है, अगर हम एग्जाम अथॉरिटी के बारे में बात कर लें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है इन वैकेंसीज की अथॉरिटी रखी गई है, मतलब कि LIC की तरफ से वैकेंसीज हैं। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर व LIC इंश्योरेंस असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसीज हैं, एंड इसी के साथ में अदर वैकेंसीज भी रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो टोटल 8000 प्लस पद रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एंड आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो 15 मई 2022 से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसीज हैं, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, पूरे भारत के महिला और पुरुष कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे, एंड ऑल स्टेट वाले कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सभी स्टेट के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइप आपकी जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी या आपकी गवर्नमेंट जॉब टाइप रहेगी, एंड लास्ट डेट जो आपकी रखी गई है ये 20 जून 2022 रखी गई है। सो आप 20 जून 2022 से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर लें। एग्जाम डेट आपकी जो रहेगी ये सितंबर 2022 में रखी गई है, मतलब कि ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है इस डेट को जो है आगे भी बढ़ा दिया जाए। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है LIC India.in पर जाकर के आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में, तो दोस्तों अगर आपकी मिनिमम एज यहां पर 18 साल है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में मैक्सिमम एज आपकी यहां पर 30 साल रखी गई है, तो यहां पर मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपको जो रिलेक्शन यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको एज में छूट दी जाएगी वो 3 साल की छूट दी जाएगी ओबीसी कैंडिडेट को, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और अगर आप यहां पर 5 साल की छूट लेना चाहते हैं तो अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 5 साल की छूट प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में अगर
आप ग्रेजुएशन के साथ में 10+2 पैटर्न पर जो है कंप्लीट कर चुके, मतलब कि 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप यहाँ पर इजिली आवेदन कर सकते हैं। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, ओनली इंडिया के कैंडिडेट ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। LIC असिस्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर आप बात कर लें, तो आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं आपके अलग से एक नई वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स के आधार पर आपके लिए एक अलग से नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं वो नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन LIC असिस्टेंट 2022 रिक्रूटमेंट की जो है कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके भी आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात कर लूं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जो है वेब पोर्टल पर आना है, देन आपको करियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। करियर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का लिंक देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने फॉर्म को जो है रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको अपने यहां पर सारी बेसिक डिटेल, जो भी यहां पर रिक्वायर्ड डिटेल होती है, वो डिटेल्स आपको यहां पर डाल देनी है एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे यहां पर मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड कर देने, मतलब कि आपको अपने फोटो, सिग्नेचर्स और जो भी आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी जाती है वो आपको यहां पर दे देनी है। उसके बाद में आपको सबमिट के बटन पर प्रोसेस करना है, देन आपको अपनी एप्लीकेशन फीस को यहां पर पे करना है। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फी पे कर देते हैं तो उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे एंड फाइनल सबमिट करने के साथ साथ में दोस्तों आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए आप जो है अपने पास में एक प्रिंट आउट जरूर रख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में, तो 15 मई 2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 20 जून 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी LIC India.in रहेगी जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो ₹510 आपको एप्लीकेशन फीस यहां पर जमा करवानी होगी, साथ में आपका GST रहेगा और ट्रांजैक्शन फीस भी आपके यहां पर लगने वाली है। एंड इसी के साथ में अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर ₹85 मतलब कि ₹85 आपको एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, इसी के साथ में GST और ट्रांजैक्शन चार्ज भी आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ₹510 को मिलाकर के ₹520 के आसपास आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाएगी और ₹85 को मिलाकर के ₹95 के आसपास आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। अभी बात करते हैं दोस्तों जो कॉमन क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं कि आप इन भर्तियों के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं LIC असिस्टेंट पद के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक अलग से नई वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए आपके कमेंट्स के आधार पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी बात करते हैं दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये 3 स्टेज में रहेगा, मतलब कि सबसे पहले आपका प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू रहेगा मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट आपका यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी के साथ में आपको जो LIC असिस्टेंट ऑफिसर पद के लिए जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो आपको सैलरी यहां पर क्या दी जाती है, तो दोस्तों अगर आप LIC असिस्टेंट ऑफिसर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो ₹30,000 से स्टार्ट होती है, मतलब कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहां पर ₹30,000 होती है एंड जो भी अलाउंस यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं वो अलाउंस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।